हेलो एंड वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब कुछ अच्छा हो। दोस्तों प्रीवियस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझसे आप कॉल करके पूछें। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जो कार्य कल से और अब तक होता हुआ आ रहा था, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं AKS स्कूल में 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ता हुआ आ रहा था, इनको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब कोई बातचीत या कोई काम जो बताते हुए आ रहे थे, आप किसी व्यक्ति को इस तरीके से करेंगे। आप कोई भी काम करते हुए आ रहे थे तो इसी तरीके से आपको बातचीत ऐसे करनी है, ठीक है? जैसे इसकी ट्रिक जो सबकी होती है वही इसकी है। जैसे पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करा है, वैसे ही आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वो वर्तमान स्थिति के बारे में बताता है, ये पास्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फोर टाइम, ठीक है? सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फोर टाइम का यूज होता है, ठीक है? कैसे यूज होता है, आइए नाउ मेक सम सेंटेंसेस। अगर टाइम कंफर्म है तो सिंस, कंफर्म नहीं है तो फोर, ये आपको पता ही होगा। फर्स्ट, वे 2 घंटे से मैदान में खेल रहा था। वे 2 घंटे से मैदान में खेल रहा था, तो वह सिंगुलर है या प्लूरल, इट डजंट मैटर। तो ही हैड बीन प्लेइंग, वर्ब प्लस आईएनजी प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग काय में, मैदान में, इन द फील्ड 2 घंटे से। अब कौन से 2 घंटे हैं तो हमें कंफर्म नहीं है, 4, 2 आर्स, ठीक है? फर्स्ट तो आपका ये हो गया। आप कहेंगे किसी से, वे 2 घंटे से मैदान में खेलता हुआ आ रहा था या खेल रहा था, तो आपको हैड बीन, हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फोर टाइम इस मेथड से कहना है। वाज वर्ब प्लस आईएनजी से नहीं कहना है, हैड बीन से कहना है, क्योंकि खेलता हुआ आ रहा था या खेल रहा था, टाइम है या मंथ है या फिर आर है, तो आपको हैड बीन लगाना है। नेक्स्ट लिखिए, किसान 1 साल से प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है? प्रदर्शन कर रहे थे, तो किसान बहुत सारे हैं, डजंट मैटर हैड बीन, तो द फार्मर्स हैड बीन प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्ट को इंग्लिश में कहते हैं, प्रदर्शन को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेस्ट, प्रोटेस्टिंग 1 साल से। अगर कंफर्म है तो सिंस, कंफर्म नहीं है तो फोर, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, फोर वन ईयर, क्योंकि कंफर्म नहीं है कौन सा साल, लास्ट अगर होता तो कंफर्म होता। नेक्स्ट लिखिए, मैं स्कूल में पिछले 2 वर्ष से या 2 साल से पढ़ा रहा था, ठीक है? मैं इस स्कूल में पिछले 2 साल, 1 साल से या 2 साल से पढ़ा रहा था, तो आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 मंथ्स। आई होप आप समझ रहे होंगे, मैंने सिंस भी लिखा है और लास्ट भी लिखा है, क्योंकि टाइम कंफर्म हो रहा है इसलिए लिखा है। माता जी
सुबह से कार्य कर रही थी, माता जी सुबह से कार्य कर रही थी, तो द मदर हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, माता जी सुबह से कार्य कर रही थी। नेक्स्ट, वे 3 वर्ष से इस नगर में रहे थे, वे 3 वर्ष से इस नगर में रह रहे थे, तो दे हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 इयर्स। कौन से फोर, कौन से 3 इयर्स हैं हमें पता नहीं है, इसलिए हम फोर लिखेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वॉज वर और वॉज में और वर में और हेड में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से लिखना होता है। आई होप आज का जो आपका सारा डाउट है वो इस सेशन में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लिखते हैं हम, सरला कई वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रही थी, सरला कई वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तो सरला हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर मेनी इयर्स। सरला हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर मेनी इयर्स। नेक्स्ट लिखिए, अध्यापक विद्यालय में 1996 से पढ़ा रहे, अध्यापक विद्यालय में 1996 से पढ़ा रहे थे, तो द टीचर हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 1996। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, वे कई दिनों से झगड़ा कर रहे थे, वे कई दिनों से झगड़ा कर रहे थे, तो आप किस तरीके से कहेंगे इंग्लिश में इसे, दे हैड बीन क्वेरलिंग फॉर मेनी डेज, दे हैड बीन क्वेरलिंग फॉर मेनी डेज।
ड्राइवर 5 घंटे से लगातार बस चला रहा था। ड्राइवर 5 घंटे से लगातार बस चला रहा था। तो द ड्राइवर हैड बीन ड्राइविंग द ड्राइवर हैड बीन ड्राइविंग द बस कंटिन्यूअसली। लगातार को इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली फोर फाइव आवर्स। ठीक है, कौन से 5 घंटे हैं हमें पता नहीं, अगर 5 बजे से होता तो सेंस लगता। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का गाइस आज का जो टॉपिक है अफर्मेटिव का वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कॉल करके या मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, जो मैं आपको करा रहा हूँ वो सफिशिएंट है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, कोचिंग करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आप इस कोर्स को एक बार अच्छे से पढ़ लें, नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछते रहें। बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही मेरा गुरु दक्षिणा समझ लीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और जो जो जरूरतमंद है उनको शेयर करते रहें। आज का लेक्चर हम यही कंक्लूड करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Till then, thank you.